हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक हनीसकल। इट्स टाइटल इज फेयर प्ले बाय प्रेमचंद। आपने हिंदी में पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी होंगी प्रेमचंद जी की, उसी का एक इंग्लिश वर्जन है ये। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगा। हैज़ योर फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और उसने कभी गलती की या उसने कोई ऐसा काम किया, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये इसने इस समय जो है गलत किया? व्हाट डिड यू डू देन? उस सिचुएशन में आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? या आपने उस समय अपने फ्रेंड को ये कहा कि वो गलत है, ऐसी हिम्मत दिखाई? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसमें भी दो फ्रेंड्स हैं जिनको ये डिसाइड करना होता है एक ऐसी सिचुएशन में कि उस समय फ्रेंडशिप या एनमिटी। एनमिटी क्या होती है? फ्रेंडशिप हो गई दोस्ती, एनमिटी दुश्मनी। भी दोस्ती या दुश्मनी जरूरी है उस समय, या अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या उस सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है? तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी पार्ट वन। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो बड़े ही अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमिली। उन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि अगर उन दोनों में से एक भी किसी काम के लिए गांव से बाहर चला जाता तो दूसरा फ्रेंड पहले वाले फ्रेंड की फैमिली को प्रोटेक्ट करता या उसका पीछे देख रेख करता, भी उसको किसी की चीज़ की ज़रूरत है तो वो उनकी हेल्प करता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती थी गांव के अंदर। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुम्मन शेख की एक कोई ओल्ड आंट थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स हेयर एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट, कि उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। वो ओल्ड आंट जो है अकेली रहती थी और उसकी रिश्तेदारी में ये जुम्मन शेख ही था, तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो उस आंटी ने जो है, उस आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख के नाम करवा दी और ये एग्रीमेंट हुआ दोनों में कि वो अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख के नाम करवा देगी और फिर उसके बाद जो है जुम्मन शेख के साथ ही रहेगी और जुम्मन शेख उसको मतलब सारी उम्र उसकी देखभाल करेगा। ये उन दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल सा एग्रीमेंट हो गया, बात हो गई तय कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे देती हूँ, फिर तुम जो है सारी उम्र मेरा ध्यान रखोगे, प्रॉपर्टी मेरी लेने के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो ये एग्रीमेंट हुआ। द अरेंजमेंट्स वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स का मतलब भी दो चार साल तो, या एक दो साल कह सकते हैं कि सारा सही चलता रहा जो एग्रीमेंट हुआ था। देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन जब निभानी पड़ती है, साथ रहना पड़ता है, तब पता चलता है कि कौन कितना जो है भी बातें तो कैसी करता है और जब निभानी पड़ती है फिर कैसे निभा पाता है।
लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो इस ओल्ड आंट से तंग आ गई। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन द लिटल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे। जुम्मन और एज वेल एज हिज वाइफ भी, जुम्मन भी और उसकी वाइफ भी इनडिफरेंट होता है, नॉट वेरी गुड या लॉस्ट इंटरेस्ट और डिड नॉट केयर फॉर भी किसी की। अब वो उनको उसकी देखभाल करनी पड़ती थी, जुम्मन और उसकी फैमिली को, तो एक दो साल तो उन्होंने देखरेख सही की, फिर बाद में वो तंग आ गए उससे भी इसका भी खाना पकाना पड़ता है या इसका भी ध्यान रखना पड़ता है ओल्ड आंट का, तो उनका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे उसकी वाइफ का भी था। और उसकी वाइफ तो उससे भी ज़्यादा उसको पसंद नहीं करती थी ओल्ड आंट को। हु ग्रज्ड, ग्रज्ड मीन्स गेव अनविलिंगली या फेल्ट एंग्री और अनहैप्पी अबाउट गिविंग, मतलब वो उस लेडी को जो डेली का खाना होता था थोड़ा बहुत वो जो खाती थी उसको देने में भी उसको तकलीफ़ होने लगी भी, जैसे मतलब वो जो है उसको खाना दे रही है तो ये जो है हमारा खाना वेस्ट हो रहा है या हम क्यों दें उसको, इस तरह से वो सोचने लगी। कौन? जुम्मन की वाइफ। She swallowed these insults along with her food for a few months. अब कुछ महीने तक तो उसने वो इंसल्ट भी सहन की, क्योंकि जुम्मन और उसकी वाइफ का जो रवैया था, नेचर था, वो चेंज हो गया था और वो उसकी इंसल्ट करते रहते थे या उसकी वाइफ उसको डांटती रहती होगी, गुस्सा करती होगी या खाने देने में भी, खाना देती तो थी लेकिन कुछ सुना के देती होगी। तो कुछ महीने उस ओल्ड आंट ने इसी तरह से उस इंसल्ट को सहन किया और खाना खाया उनके घर। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स। लेकिन कहते हैं ना कि पेशेंस की भी एक लिमिट होती है, भी सहन करने की भी एक सीमा होती है, और वही उस ओल्ड आंट के साथ हुआ। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। फिर एक दिन हार कर उसने जुम्मन शेख को कह दिया, माय सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। कि बेटा मुझे लगता है कि अब तुम्हारे घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो प्लीज़ मुझे जो है कोई मंथली अलाउंस होता है कोई अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा भत्ता दे दे उसको, मतलब उस वो और तो कोई काम करती नहीं है तो उसको कोई घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत कोई मंथली खर्चा दे दे, ताकि वो एक सेपरेट किचन जो है अपनी बना ले खाना बनाने के लिए। अब जुम्मन शेख ने आगे क्या आंसर दिया, My wife knows best how to run the house. Be patient, said Jumman shamelessly. अब जुम्मन जो कि उसका रिलेटिव था उसको इस पर कहना चाहिए था कि नहीं आंटी कि आपको अलग किचन की क्या ज़रूरत है, लेकिन उल्टा ही हुआ, उसने मतलब उसको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए, उसने क्या कहा, कहने लगा कि मेरी वाइफ अच्छे से जानती है घर कैसे चलाना है, बी पेशेंस रखो, धीरज रखो, भी अलग किचन बनानी है ऐसा नहीं चलेगा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब उसने मना कर दिया तो उसकी आंट को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि ऐसे तो इसका फैसला होगा नहीं, तो मैं अपना जो केस है वो विलेज पंचायत में रखूंगी, जैसे गांवों में पंचायत होती है तो वो पंचायत डिसाइड कर देगी हमारा जो
क्या निपटारा करना है। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक जो है वो ओल्ड लेडी गांव वालों से मिलती रही, उनको अपना केस समझाती रही भी उसके साथ क्या हो रहा है, और उनकी सपोर्ट जो है वो मांगती रही कि मेरी बात सुनो और मेरे हक में आ जाओ। मतलब सम सिंपेथाइज्ड विद हर। अब कईयों ने तो सिंपती दिखाई उसके प्रति, कईयों को दया भी आई भी बुढ़िया को ऐसे ना तो खर्चा दे रहा है ना ही खाना देने में भी ऐसे करते हैं, उसने सारी प्रॉपर्टी भी दे दी। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उस पर हंसने लग गए। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ एक ने तो ये एडवाइस दे दी कि मेक इट अप। मेक इट अप क्या होता है? स्टॉप क्वेरलिंग और कम टू एन एग्रीमेंट विद। कईयों ने तो ये सलाह दे दी कि अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ जिनके साथ तुम रहती हो ना, उनके साथ झगड़ा बंद करके मतलब एक तरह से घर में ही निपटारा कर लो। केस को पंचायत में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि तुम जो है घर बैठ के ही सुलह कर लो आपस में। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अब लास्ट में वो अलगू चौधरी के घर आ गई और उसको बात की। अब उसने अलगू चौधरी ने जब उसकी बात सुनी तो क्या कहा, कहने लगा यू नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि अलगू तो जुम्मन का ख़ास दोस्त था, तो उसने भी उसकी आंट को कहा भी चाची जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, भी मैं उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ या बोल सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडिड द ओल्ड लेडी। प्लीडिड होता है रिक्वेस्टेड या गिड़गिड़ाना एक तरह से। ओल्ड लेडी ने अलगू को कहा बेटे तू तो कह रहा है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे बेटे एक बार सोच के बता कि ऐसे अपने दोस्त की गलत बात पर भी साइलेंट रहना, चुप रहना और कुछ ना कहना, ये बात ठीक है? तुम्हें क्या लगता है ये बात सही है? भी कोई गलत हो तो उसको तुम गलत भी ना कहो। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ शी सेड। उसने कहा तुम भी पंचायत में आना और सबको सच्चाई बताना। अलगू डिडंट रिप्लाई। अलगू ने उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया उस आंट को। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन उसके जो वर्ड्स थे ना वो उसके कानों में या उसके माइंड में घूमते रहे उसकी बात, क्योंकि उसको भी पता था भी उसका दोस्त जो है जुम्मन शेख वो उस बात में बिल्कुल सही नहीं था कि अपनी ओल्ड आंट को बाहर निकाल रहे हैं, वो खाना देते नहीं हैं, फिर उसको मंथली अलाउंस मांग रही है भी खुद किचन में खुद खाना बना ले, उसके लिए कुछ खर्चा दे दें, हालांकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नेफ्यू को जुम्मन शेख को दे दी थी उस ओल्ड आंट ने, लेकिन वो फिर भी उसको कुछ देने को तैयार नहीं थे। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही करेंगे। पार्ट वन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में चैप्टर के लास्ट में लगें वो आप इसके कर लेना एज अ होमवर्क।